जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी, स्वागत है मेरे YouTube Facebook चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कन्या राशि के जून के मासिक राशि फल के बारे में, यानी कन्या राशि यानी विर्गो राशि का कैसा होगा जून का महीना, कैसी होगी धन की, परिवार की, स्वास्थ्य की, उनके दाम्पत्य जीवन की, उनके संतान की, उनके प्रेम की, उनके दाम्पत्य की स्थिति, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य देखा जाए तो जून का महीना दो भागों में बढ़ जाता है। पहला चीज़, 1 तारीख से लेकर और 13 तारीख तक कन्या राशि वालों का देखा जाए तो चेहरे पे इन्फेक्शन रहेगा, फोड़े फुंसी की परेशानी रहेगी, मुंह या दांत दर्द की परेशानी से आप परेशान रह सकते हैं 1 तारीख से लेकर 13 जून तक। 14 जून से लेकर और 30 जून तक देखा जाए तो दांत स्वास्थ्य की परेशानी से तो आपको राहत मिल रही है, साथ ही साथ पढ़ने लिखने का शौक जागृत होगा या कोई जिम, कोई ना कोई संस्था आप ज्वाइन करने वाले हैं, यानी कि 14 तारीख के बाद स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। अब बात कर लेते हैं धन की स्थिति के बारे में। तो धन की स्थिति भी जून के महीने में दो भागों में बढ़ रही है। 1 तारीख से लेकर 17 तारीख तक देखा जाए तो नुकसान ही नुकसान कन्या राशि के सामने आएगा, यानी कि 1 तारीख से लेकर 17 जून तक मोबाइल, टीवी, वाहन में खराबी पे आपका खर्चा होगा, साथ ही साथ परिवार के किसी सदस्य का पर्स या धन का नुकसान भी होगा, यानी कि धन चोरी भी हो सकता है। तो ऐसी स्थितियां परिवार के साथ में आपके साथ में 1 से लेकर 17 तारीख तक रहेगी, क्योंकि शुक्र राहु के साथ में अष्टम भाव में जून में गोचर कर रहे हैं, इसलिए ये चीज़ें हो रही आपके साथ। और फिर 18 तारीख से 30 जून तक देखा जाए तो स्थितियां नॉर्मल होगी, यानी कि 1 से 17 भारी रहेगा। अब बात कर लेते हैं परिवार भाव की। तो परिवार भाव के स्वामी हैं गुरु, गुरु केंद्र में बैठे हैं तो भूमि का क्रय विक्रय का योग आपका जून के महीने में जबरदस्त बन रहा है। यदि आप प्रॉपर्टी खरीदने की बस सोचेंगे भी, सोचना ज़रूरी है, तो आपका बन जाएगा। प्रॉपर्टी बेचने की अगर सोच रहे हैं तो ये काम भी आपका जून में हो सकता है। साथ ही साथ स्थान परिवर्तन के भी आपके जबरदस्त योग चल रहे हैं, यानी कि आपका जगह चेंज के भी जून में योग बन रहे हैं। साथ ही साथ घर में किसी का मांगलिक काम भी होगा, यदि आपके घर में संतान से संबंधित या शादी से संबंधित या बच्चे की शिक्षा नहीं हो रही है, एडमिशन नहीं हो रहा, तो जून के महीने में मांगलिक कार्य होने के योग बन रहे हैं। तो परिवार में किसी ना किसी सदस्य का की तरफ से आपको गुड न्यूज़ भी जरूर प्राप्त होगी। अब बात कर लेते हैं संतान भाव की। तो 1 तारीख से लेकर संतान भाव की, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं छोटी संतान की, जो कि उम्र में 1 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक है, उनको पेट संबंधी परेशानी रहेगी और हाथ पैरों में दर्द की समस्या रहेगी, जो 1 से लेकर 16 की उम्र तक है। जो 17+ है, 17+ का मतलब जो बड़ी संतान है उनके बारे में बात करें तो जून में उनका भी कुछ भाग्य खास साथ देने वाला नहीं है, इच्छा के विपरीत काम होगा, बड़ी भागदौड़ी होगी, लेकिन हाथ में कुछ भी फल की प्राप्ति नहीं होगी। बस आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, बस जून का महीना ही आपके लिए भारी है। ऐसा नहीं कि इसमें काम नहीं हुआ तो सारे ही महीने बेकार है, जून का महीना थोड़ा सा संघर्षप्रद बड़ी संतान के लिए ज़्यादा रहेगा। उसके बाद हर महीने ग्रह चेंज होते हैं, अगले महीने फिर ग्रह अच्छे आ जाएंगे। इसी प्रकार से नौकरी के बारे में बात करें तो नौकरी में तो शश योग जबरदस्त बन रहा है कन्या राशि वालों का, तो नौकरी में मैनेजमेंट में परिवर्तन होगा जून के महीने में, या उच्च अधिकारियों का ट्रांसफ़र होगा या उच्च अधिकारियों का परिवर्तन होगा, कुछ ना कुछ होगा जिस कारण से आपके धन पद में वृद्धि के अब योग होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि धन पद में वृद्धि होने वाली है, आपका वर्चस्व बढ़ने वाला है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। अब बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की, खासकर प्रेमी और प्रेमिकाओं के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपका जो लव कपल है यानी आपका जो पार्टनर है, जून के महीने में करियर में अच्छी खासी ग्रोथ उसको मिलेगी, या तो धन में वृद्धि, पद में वृद्धि के योग आपके पार्टनर के बन रहे हैं, और पार्टनर का कुछ धन खर्च टीवी, मोबाइल, वाहन पे भी होगा, यानी कि आपका पार्टनर कुछ ना कुछ इनमें से कोई ना कोई वस्तु खरीदने वाला है जून में। बात कर लेते हैं पति और पत्नी की, तो कहीं ना कहीं जून के महीने में तीर्थ यात्रा के योग बन रहे हैं और पार्टनर के नाम पर भूमि का योग बन रहा है। यदि आपके शहर में
कोई लकी ड्रॉ की गवर्नमेंट की स्कीम कन्या राशि वालों चल रही है, तो आप अपने पार्टनर के नाम पे आंख बंद करके वो स्कीम जरूर भरें, आपका लकी ड्रॉ में नाम आ सकता है, क्योंकि ज़बरदस्त आपके पार्टनर का भूमि का योग जून में बन रहा है। याद रखिएगा, आपके शहर में अगर सरकार द्वारा कोई लकी ड्रॉ स्कीम चल रही है तो आप जरूर भरें। जय माता दी। विनोद जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप गुरुजी से मिले हैं, तो कैसा आपका अनुभव और क्या लगा आपको? मैं गुरुजी के पास करीब 3-4 साल से शायद मैं आ रहा हूँ यहाँ पे। जब भी गुरुजी के एक तो दर्शन करता हूँ तभी मुझे पॉजिटिव एनर्जी अपने आती दिखाई देती है, और जो गुरुजी ने उपाय बताए हैं वो अगर मैं कर लेता हूँ तो वो काम बन जाता है। वैसे आमतौर पर वो उपाय मैं आलकस या ड्यूटी की वजह से कई बार कर नहीं पाता हूँ, ये मेरे साथ प्रॉब्लम रही है, लेकिन जो गुरुजी बता रहे हैं आजकल मैं उपाय पूरी चेष्टा करूँगा उनको पूरा करने के लिए। ठीक है, तो जब भी उपाय आपने करे हैं उसका उसको अच्छा मेरे को फल मिला है, अच्छा अनुभव हुआ है, और आगे भी हम ये कोशिश करेंगे कि आप उपाय पूरा करें और आपकी मनोकामना पूरी हो। अब बात कर लेते हैं व्यापारियों के बारे में, जो कन्या राशि वाले अपना दुकान चलाते हैं, फैक्ट्री का काम करते हैं या अपना काम करते हैं, कंसल्टेंसी करते हैं, उनका जून का महीना कैसा रहेगा? पहली चीज़, जून का महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है, बस महिला कर्मचारी से बहस होगी और महिला कर्मचारी आपको बड़ा परेशान करने वाली है जून के महीने में। और देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर 15 जून तक काम थोड़ा मंदा रहेगा, 16 जून से लेकर 30 जून तक काम तीव्र होगा। तो कुल मिला के काम तो ठीक है, लेकिन महिला कर्मचारी से थोड़ा सावधान रहें, वो आपको फंसा सकती है या फिर आपसे बहस करके कोई बड़ा विवाद ला सकती है, तो उस विवाद को टालने की कोशिश जरूर करें। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।